स्मृति जुबेन ईरानी का नाम बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्रीज, टीवी सीरीज और भारतीय राजनीति में एक जाना माना नाम है और भारत सरकार के अंतर्गत कपड़ा मंत्री तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री है और इससे पहले वो मानव संसाधन विकास मंत्री रह चुकी है। स्मृति ईरानी का नाम उन राजनेताओं में शामिल है जो कि बिना किसी के डर से अपनी बात मीडिया के सामने रखती है। स्मृति ईरानी का जन्म 23 मार्च 1977 को एक पंजाबी परिवार में हुआ। इनके पिता अजय कुमार मल्होत्रा जहां एक पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखते थे, वहीं इनकी मां शिवानी एक बंगाली परिवार से आती थी। स्मृति ईरानी तीन बहनों में सबसे बड़ी है। दिल्ली में जन्मी स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में होली चाइल्ड स्कूल से अपनी 12वीं कक्षा की पढ़ाई की हुई है। स्मृति ईरानी 2001 में अपने बचपन के दोस्त जुबेन ईरानी से विवाह किया था। जुबेन ईरानी एक सफल बिजनेसमैन है और इनकी बहन की शादी टाटा फैमिली में हुआ है। स्मृति ईरानी के साथ उनकी ये दूसरी शादी है। वहीं इस शादी से इन दोनों के तीन बच्चे हैं, एक बेटा और दो बेटी है। स्मृति ईरानी अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिल्ली शहर को छोड़कर मुंबई शहर में साल 1990 के दशक में आ गई। मुंबई शहर में स्मृति ईरानी ने साल 1998 में मिस इंडिया ब्यूटी कंटेस्ट में भाग लिया। हालांकि वो इस ब्यूटी कंटेस्ट को जीत नहीं पाई, मगर उन्होंने फाइनल लिस्ट में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गई। स्मृति ईरानी सिंगर मीका सिंह के साथ एक गाने में भी नजर आ गई है, लेकिन स्मृति ईरानी के सही पहचान एकता कपूर द्वारा बनाए गए टीवी सीरीज क्योंकि सास भी कभी बहू थी से मिली है। इस टीवी सीरीज में स्मृति ईरानी ने तुलसी नाम की महिला का किरदार निभाया था। ये टीवी सीरीज लोगों द्वारा बेहद पसंद किया गया था। स्मृति ईरानी क्योंकि सास भी कभी बहू थी टीवी सीरीज के अलावा और भी कई सारे टीवी सीरीज में अपना अभिनय दिखाया है, जैसे क्या हादसा, क्या हकीकत, रामायण, मेरे अपने टीवी सीरीज में काम किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने बंगाली, हिंदी और तेलुगु भाषा की कुछ फिल्मों में भी काम किया है। साल 2003 में स्मृति ईरानी ने अपने राजनीतिक में कदम रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनना उचित समझा। उनके दादाजी आरएसएस के सदस्य थे। साल 2004 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा महाराष्ट्र यूथ विंग के वाइस प्रेसिडेंट का पद सौंपा गया। उसी साल आम चुनाव में दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव में स्मृति ईरानी को हार का सामना करना पड़ा। स्मृति ईरानी को भारतीय जनता पार्टी ने 5 बार केंद्रीय समिति के रूप में कार्यकारी सदस्य के रूप में मनोनीत किया और राष्ट्रीय सचिव के रूप में भी नियुक्त किया। साल 2010 में स्मृति ईरानी को भारतीय जनता पार्टी ने महिला मोर्चा की कमान सौंप दिया। फिर साल 2011 में स्मृति ईरानी को गुजरात से राज्यसभा की सांसद चुनी गई। इसी वर्ष इनको हिमाचल प्रदेश में महिला मोर्चा का भी कमान सौंप दिया गया। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा क्षेत्र से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरी, परंतु यहां भी इन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इन चुनाव में मिली जीत के बाद उन्हें केंद्रीय मंत्री बना दिया गया। साल 2004 में स्मृति ईरानी ने नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा था कि उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री का पद छोड़ देना चाहिए। स्मृति ईरानी ने गुजरात दंगों को लेकर कहा था कि नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। स्मृति ईरानी के इस बयान से पार्टी काफी नाराज हुई थी और पार्टी ने उन्हें अपना बयान वापस लेने को कहा था, जिसके बाद स्मृति ईरानी ने पार्टी की कार्यवाही से बचने के लिए अपने इस बयान को वापस ले लिया था। साल 2019 में लोकसभा चुनाव में अमेठी लोकसभा क्षेत्र से राहुल गांधी के विरुद्ध खड़ी हुई थी। अमेठी कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, मुख्य रूप से गांधी परिवार का। भारत के आजादी के बाद से संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी यहाँ से खड़े हुए थे, जिन्होंने हमेशा जीत हासिल किए हैं। इस कांग्रेस के गढ़ में स्मृति ईरानी ने घुसकर राहुल गांधी को प्रचंड वोट से हराया था। स्मृति ईरानी की ये अब तक की सबसे बड़ी जीत मानी जाती है। साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिली तो स्मृति ईरानी को कपड़ा मंत्री और महिला बाल विकास मंत्री का कार्यभार दिया गया है। धन्यवाद अपना अनमोल समय देने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।